Hello students, this is the lecture of physics for class 9th, and in this lecture we will study about chapter 8, which is motion. So first of all, we need to know what is motion. So if we see the definition, that an object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो टाइम के साथ. फॉर एग्जांपल, हेयर वी हैव अ कार विच इज़ एट पोजीशन ए एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड इफ इट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम पोजीशन ए अप टू पोजीशन बी, हेयर द टाइम वॉज ज़ीरो एंड आफ्टर 60 सेकेंड वी कैन सी द कार रीचेज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो इस पूरे टाइम में, जीरो से लेकर 60 सेकेंड के टाइम में कार की पोजीशन चेंज हुई है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो इस टाइम में हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम दिस कार वॉज इन मोशन, बिकॉज दिस ड्यूरिंग दिस टाइम दिस कार वॉज चेंजिंग इन पोजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो इन आर डे टू डे लाइफ वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ मोशंस. फॉर एग्जाम्पल, हेयर यू कैन सी वर्ड्स फ्लाई. हम डेली देखते हैं हमारे आसपास वर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं. फिश स्विम करती है वाटर में, दैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ मोशन. एटम्स और मॉलिक्यूल्स और ऑलवेज इन, एज वी नो इन द गैस गैसेस केस इन केमिस्ट्री वी यूजली स्टडी दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन ऑफ ए गैस. सो इसी तरह जो प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, दे ऑलवेज रिवॉल्व इन द यूनिवर्स, ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड सन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आर प्लैनेट्स हैं, जो भी हमारी अर्थ है, मार्स हैं, वीनस हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे सन के अराउंड घूमते हैं. तो दे आर ऑल्सो इन मोशन. जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो भी एक तरह से यूनिवर्स में घूम रही हैं. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन. एंड इन डे टू डे लाइफ यू कैन हैव सेवरल एग्जाम्पल्स इन विच यू कैन डिफाइन दैट येस दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. मीन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोशन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन रेस्ट फॉर वन पर्सन एंड इन मोशन फॉर अदर पर्सन. एक ही ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के लिए रेस्ट पे हो सकता है और सेम टाइम पे वही ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन के लिए मोशन में हो सकता है. अब ये चीज़ कैसे, ये जादू जो कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे. दिस थिंग डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जांपल, यू एंड योर फ्रेंड आर मूविंग इन अ कार. ओके, सो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हो और एक पर्सन कोई बाहर खड़ा है किसी स्टेशनरी स्पेस पे, कि कोई बाहर खड़े होके अगर आपको देख रहा है, आप उसके पास से कार लेके गुजरते हो, तो आपके रिस्पेक्ट में जो आपका फ्रेंड है जो गाड़ी में है, ही विल बी इन रेस्ट. बट जो बाहर आपका फ्रेंड आपको देख रहा है, जो आपके फ्रेंड को देख रहा है, वो उसके रिस्पेक्ट में आप दोनों ही मोशन में हैं, जो आपका फ्रेंड मोशन में है. तो ही यू कैन सी आपके रिस्पेक्ट में आपका फ्रेंड रेस्ट में है, बट जो बाहर से आदमी देख रहा है उसके लिए वही फ्रेंड आपका मोशन में है. तो सेम टाइम पे सेम ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए रेस्ट पे है, दूसरे पर्सन के लिए मोशन में है. अब ये चीज डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली होता यह है कि किस कंडीशन में हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी यूजली स्टडी अबाउट मोशन. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद जो मोशन की बेसिक टाइप है वो होती है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मीन इन वन डायरेक्शन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सिंगल डायरेक्शन, इट मीन्स वी कैन से दैट मोशन अकर इन स्ट्रेट लाइन. तो बिफोर स्टडी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देर आर टू टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो. वन इज डिस्प्लेसमेंट and other is distance. So what is displacement? Displacement hoti hai the shortest or straight line distance between initial and final point, that is called displacement. Now you can see here we have two points A and B.
let's say this is our school campus GMA and this is your home. Now there are several ways from which you can go from your school to your home. Your school, we are considering point A and mean initial point. This is initial point and this is final point, your home. So there are three ways through which you can go from your school to your home. One way is straight line between A and B. Another one is like curve. Second one is third one is also like a curve. So in these three distances between your school and home, what we will call as a displacement. Displacement will be shortest or straight line distance. Jo bhi short distance hoga do points ke beech mein ya fir straight line distance hoga do point ke beech mein usko hum bolenge displacement. So here you can see first case is not displacement, third case is also not a displacement, but the middle case is displacement because this is a short line distance between initial point up to the final point. So this we called it as a displacement. Okay. Second point is distance. So what is distance? Distance is total path length covered by an object during its motion is called distance. It means same, we have the same condition here. Two points A and B. A is initial point, B is final point. Initial point means from here we have to start our journey and we have to go up to point V. This is our final point. So there are infinite number of ways from which a person can go from point A to point B. So you can see here a person can start from here in this way, he can go and reach up to point B. Second way is this. Third way is also a straight line and shortest distance. Fourth way is this. Fifth way is he's going along this way. So in this manner we have here infinite number of ways from which a person can go from point A to B. So these all points we will consider as a distance. Okay, so distance is any path between two points, and length of that path will be distance of that journey. Okay, and displacement only shortest or straight line distance, straight line path, sorry. So in this way can we say that A and B, jo ye path hai A aur B ke beech mein straight path hai, isko hum distance bol sakte hain kyunki isko to hum bol rahe the displacement. The shortest path or straight line path, we have already told you that this is a displacement, not a distance. But in this case we can say that this is also distance. Okay, this is distance also, and as well as this is displacement. Displacement or distance dono barabar hote hain only one case mein, jab hum do point ke beech mein straight line path dekh rahe hoon. Otherwise ye jitne bhi baki ways hain ye sare distance honge, inme se koi bhi displacement nahi hogi. So there is a condition or relation between distance and displacement. Wo kya hoti hai? Wo condition hoti hai, distance is always greater than equal to the displacement. It means distance or displacement mein kya relation hoga, ki distance displacement ke barabar bhi ho sakta hai aur hamesha usse zyada hoga. Barabar kab hoga? There is a condition when we are looking for straight line, straight path between initial and final point. Only then it will be equal to displacement, and in all the other cases distance is always greater than displacement. So these two terms you must know about before studying motion. After that, as we were starting there, motion in a straight line. So straight line motion ki example simply yahi ho sakti hai ki here we can see a person start from O, and this O we called as a reference point. It means from here any object, any person start its journey. Now here you can see there's a distance intervals which we are measuring in kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer up to 60 kilometer, and there are three points A, B and C. Now what we will see here, look here, an object starts from point O, then move to point A. O se koi point, koi object start kar raha hai, A point tak move kar raha hai through point C and B. C aur B se hote huye, it reaches up to point A. Okay, then it again move back from point A to point C. Phir A se back
बैकवर्ड मोशन स्टार्ट करता है बी से होते हुए अगेन सी पे आता है, तो इट मींस यहाँ पे हमारी जो फाइनल जो रेफ इनिशियल पॉइंट है वो है ये हेयर, एंड जो फाइनल पॉइंट है दैट इज हेयर। तो अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस केस में तो क्या होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी ओ ए प्लस ए सी। As I have already told you that distance is the total path length. It means वो यहाँ से लेके यहाँ से गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो इट मीन्स टोटल पाथ लेंथ विल बी ओ टू ए प्लस ए टू सी। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 60 प्लस 35, ए टू सी यू कैन लुक हेयर द टोटल डिस्टेंस इज 35 किलोमीटर एंड ओ टू ए इज डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर, सो 60 प्लस 35 इज 95 किलोमीटर, सो हेयर द डिस्टेंस विल बी 95 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, नाउ इन दिस केस you can see the displacement is only 25 km because displacement is short line straight line distance or shortest distance between initial point and final point. So yahan pe initial point ye hai O, final point was C of the journey, so we just have to look the distance from O to C and that will be our displacement, so it is only 25 km. So in this case you can write the displacement is 25 किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट वॉज ऑल अबाउट मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स व्हेन एनी पर्सन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन और अलॉन्ग अ लीनियर लाइन देन दैट विल बी अ मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So let's see what is uniform motion and what is non-uniform motion. So as it is clear from the name that we are talking about uniform and non-uniform. Uniform matlab equally. So uniform motion is when an object covers equal distance in equal interval of time, then motion is said to be uniform. For example, if an object starts its journey after 1 hour, it covers 50 km. कोई object अपनी journey start करता है, ठीक है, एंड आफ्टर 1 hour इट कवर्स 50 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर कवर कर लिया। देन आफ्टर नेक्स्ट 1 hour इट कवर्स अनदर 50 किलोमीटर, उसके बाद एक और घंटे के बाद उसने और 50 किलोमीटर ट्रेवल किए। फिर अगर हम नेक्स्ट 1 hour की बात करेंगे, अगेन उसने अनदर 50 किलोमीटर ट्रेवल किए। तो हियर वी कैन सी दैट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है एंड इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, यानी कि हर एक घंटे में वो 50 किलोमीटर अपनी जर्नी में कवर करता है। तो इस तरह के मोशन को वी कैन से दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एंड नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन ऑपोजिट टू दैट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इट कैन covers unequal distance in equal interval of time. अब यहां पे equal distance हो सकता है या फिर equal time हो सकता है, लेकिन उनमें से एक चीज unequal हो जाएगी, and that motion we will set that motion non-uniform motion. For example, if an object covers 50 km in first 1 hour and then next 50 km in next 2 hour, ओके, वो जो पहले 50 किलोमीटर है एक घंटे में कवर करता है, फिर अगले 50 किलोमीटर वो नेक्स्ट 2 hour लेता है कवर करने में, तो दिस टाइप ऑफ मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑलमोस्ट ऑल आर रियल लाइफ मोशन। जितने भी हम रियल लाइफ मोशन जो भी हम देखते हैं अपने अराउंड, जो भी हम किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने मूव कर रहा है, दीज ऑल मोशन आर नॉन यूनिफॉर्म। बट जो मोशन है प्लैनेट्स के अराउंड द सन और गैलेक्सीज जो घूम रही हैं, स्टार्स मूव कर रहे हैं, ये सारे के सारे यूनिवर्स में जो भी मोशन हो रहा है, वो सारे मोशन वी कैन कंसीडर एज यूनिफॉर्म मोशंस।